हेलो फ्रेंड्स, रत्ता मी चाय के में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ नींबू की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे नींबू का अचार भी बोल सकते हैं। इसे बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत पसंद करेंगे। आप भी नींबू का अचार घर में बनाती होंगी, लेकिन अक्सर नींबू की फाक सब फेंक देते हैं। लेकिन ये अचार या चटनी सब शौक से खाएंगे। आप इसे परियाल में भी सर्व कर सकते हैं, जैसे नमकीन राजगिरे की पूड़ी, पराठे, और आप इसे पिकनिक या जर्नी में भी ले जा सकते हैं। ये चटनी 2 से 3 साल तक खराब नहीं होगी। ये मैंने 1/2 किलो नींबू लिए हैं, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू में बिल्कुल भी दाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसे छिलके सहित ही बनाएंगे। अगर आपके नींबू में दाग रहेंगे तो आपका अचार जल्दी से खराब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे नींबू हैं उसे हम काट लेंगे। तो आप चाहें तो 1 नींबू के 4 पीस कर सकते हैं, या फिर 8 पीस कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप उस तरीके से इसे काट लें। और जितने भी इसके बीज हैं अंदर, उसे हम निकाल देंगे। एक भी बीज इसमें रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका अचार थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो जितने भी बीज हैं आपको इस तरीके से उसे निकालना है। तो आप इस तरह से सभी बीज नींबू के निकाल लें। ये देखिए, मैंने सभी नींबू के बीज निकाल दिए हैं। तो ये प्लेट में नींबू के इतने बीज निकले हैं, और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस भी है। तो हम इसे वापस इसमें ही काम में ले लेंगे, मतलब हम इसे छलनी से छान लेंगे। अब ये देखिए, बाउल से अगर नापे तो जितने मैंने नींबू लिए हैं उतनी ही शक्कर ली है, और अगर वजन से देखा जाए तो 1/2 किलो मैंने नींबू लिए हैं और 1/2 किलो ही शक्कर ली है। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो कढ़ाई में शक्कर डाल देंगे, और शक्कर डूब जाए उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस शक्कर डूब जाए उतना ही पानी डालना है। गैस की फ्लेम तेज रखना है, और शक्कर को हम मेल्ट करेंगे। तो शक्कर मेल्ट हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे, ये जो नींबू है इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। नींबू को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस इसे हम अध कचरा ही पीसेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, इस तरह से आपको रखना है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, और जो ये बाकी के बचे हुए नींबू हैं उसे भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने सभी नींबू को ग्राइंड कर लिया है, और जो बीज वाला नींबू का रस है उसे भी हम छानकर इसमें डाल देंगे। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तो अब हम इसमें 1/4 कप के करीब दूध लेंगे, और जितना हमने दूध लिया है सेम उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और चारों साइड इस तरह से डाल देंगे फैलाकर। अगर आप कप से नहीं डालना चाहते तो आप 4 बड़े चम्मच दूध लें और 4 बड़े चम्मच पानी, दोनों को मिक्स कर लें और डाल दें। इसे हम एक बार इस तरह से हिलाएंगे और बीच में ही चम्मच रखेंगे, और गैस की फ्लेम हमें तेज ही रखना है। इसमें एक उबाल जैसे ही आएगा, मेल सारा जो गंदगी है शक्कर की वो सारी ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, जो शक्कर का मेल है वो सारा ऊपर आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। ये देखिए, चारों साइड मेल जम गया है। तो चम्मच से हम इस तरह से धीरे धीरे से निकालेंगे। आपको इसे जल्दी में नहीं निकालना है, अगर ये पूरी चाशनी में मेल फैल जाएगा तो आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो आप इस तरह से इसे धीरे धीरे निकालें।
गैस की फ्लेम हम वापस तेज कर देंगे। गैस की फ्लेम हम वापस लो कर देंगे और देखिए ये चारों साइड थोड़ा सा मेल और आ गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए शक्कर का इतना मेल निकला है। तो अब चाशनी साफ हो गई है, तो हम गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसकी हम गाढ़ी चाशनी बनाएंगे। आप ये ध्यान रखें कि चाशनी को बीच में हिलाए नहीं। अब हमें इसमें चाशनी कितनी गाढ़ी चाहिए तो उसके लिए क्या करें, एक प्लेट लें और उसमें थोड़ी सी चाशनी इस तरह से डाल कर देखें। तो ये देखिए ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल इस तरह से जम जाएगी। अब ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं चाशनी, तो बस हमें इस स्टेज तक ही इसे पकाना है। इसे गोलीबंद चाशनी बोलते हैं और इसमें अब हम क्रश किया हुआ नींबू डाल देंगे। नींबू डालने के बाद चाशनी वापस पतली हो जाएगी, इसीलिए हमने चाशनी को गाढ़ी रखी है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए चाशनी वापस पतली हो गई है। तो अब हम वापस गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसमें सभी मसाले डाल देते हैं। 2 चम्मच जीरा डालेंगे, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच काला नमक, 1.5 चम्मच सादा नमक। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप व्रत में हींग खाते हैं तो आप इसमें 1/4 चम्मच हींग भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें हल्दी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि जब अचार पुराना हो जाता है तो इसका कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। और दूसरा कारण हल्दी नहीं डालने का यह है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। चाशनी पतली हो गई है तो हमें इसे गाढ़ा करना है, इसलिए हम गैस की फ्लेम तेज ही रखेंगे। ये देखिए चटनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए चटनी थोड़ी और गाढ़ी हो गई है, तो ये जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ही ये गाढ़ी होती जाएगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको स्टील के बर्तन में नहीं रखें क्योंकि इससे कलर और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। तो आप इसे कांच की बॉटल में या चीनी की बॉटल में स्टोर करें। ये देखिए अचार का कितना अच्छा कलर आया है और ये ठंडा होने पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप चटनी को अभी इंस्टेंट नहीं खाएं क्योंकि आपको कड़वी लगेगी, तो आप 3 से 4 दिन बाद इसे खाएं।